मोदी के समर्थन में उतरी AIMIM। आपको बता दें AIMIM के नेता वारिस पठान ने बयान जारी कर कहा है सलमान अजहरी को इंसाफ दिया जाना चाहिए और इंसाफ मिलेगा। वारिस पठान का ये बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं मौलाना सलमान अजहरी ने हेट स्पीच नहीं दी है, जो वो भड़काऊ बोल बोल रहे हैं वो AIMIM की नजर में कोई भड़काऊ बातें नहीं है और जाहिर सी बात है होंगी भी नहीं, क्योंकि AIMIM के नेता खुद इस तरह की बातों में सभाओं में शामिल रहते हैं। और देखिए क्या कुछ कहा वारिस पठान ने, वो भी आपको सुनवाएंगे। प्रशासन पे पूरा भरोसा यकीन है, हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है, 41A का हर बार होता है, 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब्जेक्ट, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा, उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग, यहाँ पर चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं 10 मिनट नहीं 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है ना कोई केस होता है, मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लेरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है।